आप सब एक मिनट के लिए आंख बंद कर लीजिए। कोशिश करें आपकी व्यू सीधी रहे। आंख बंद कर लीजिए, कुछ नहीं है अब देखने के लिए बाहर। एकदम आंख बंद। जब तक मैं ना बोलूं ना खोलिएगा। गहरी सांस लीजिए, एक छोड़ दीजिए, एक और गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, एक और गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। आंखें बंद रखें, अपना सारा ध्यान अपने हृदय की तरफ लाएं, सारी चेतना, सारा अटेंशन, सारा फोकस। हृदय मतलब आपकी चेस्ट के बीच का स्पेस, जिसको हम अनाहत चक्र बोलते हैं। सारा ध्यान एकत्रित कीजिए। ये वही स्थान है जहां हनुमान जी अपनी छाती खोल के श्री राम की तस्वीर दिखाते हैं। सारी चेतना इस बिंदु पे लाएं। अपने हृदय में भगवान राम को स्थान दें, एज इफ कि हनुमान जी की तरह इस समय आपके हृदय में भी भगवान राम का वास है। मन की आंखों से देख पाए तो देखिए इस दृश्य को। हृदय में पहले मूल्य को बसने दें, पराक्रम। दूसरे मूल्य को विराजमान कीजिए हृदय में, सेवा। तीसरे मूल्य को विराजमान कीजिए हृदय में, त्याग। पराक्रम, सेवा, त्याग। आंख बंद ही रखिए। भगवान राम को हृदय में प्रणाम करते हुए तीन बार मेरे साथ बोलिए, नारे की तरह नहीं, बहुत शुद्ध भाव से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ये दो मिनट का छोटा सा ध्यान कराने का प्रयोजन ये है। इस समय जरूरी ये नहीं है कि भगवान राम सिर्फ हम तक सीमित रहें, वो सभी के हैं, उनका विस्तार होना चाहिए। मगर मैं मगर ऐड कर रहा हूं यहां पे, BUT, बट। आप किसी भी चीज का विस्तार करने में सामर्थ्य नहीं हो पाएंगे अगर उसको आपने भीतर से ग्रहण नहीं किया तो। अंग्रेजी में बोले, unless it is established in your heart, you cannot share it, you cannot take it to other people. तो भगवान राम को, उनके इन तीन मूल्यों को सबसे पहले आपको अपने भीतर, अपने हृदय में बसाना होगा। आपको जीना होगा इन तीन मूल्यों को, तभी आपके, जब आप किसी से बात करोगे तभी आपकी वाणी में वो बल आएगा, वो शुद्धि आएगी कि आपके एक शब्द से ही उसके भीतर भी भगवान राम का प्रवेश हो जाएगा।